हमारा वार्म अप स्ट्रेचिंग हो चुका है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने वार्म अप स्ट्रेचिंग को नहीं दिखाया है। उसके बाद हम आ रहे हैं फर्स्ट पुशअप्स पे। नॉर्मल हम फ्लैट पे करते हैं, बट आप जिस दिन अपर चेस्ट को ट्रेंड करें उस दिन कोशिश करें कि आपका पैर थोड़ा सा ऊंचा हो बॉडी लेवल से, जैसा आप ये कर रहे हो गैस। चल बहुत अच्छा, मैक्सिमम रैप जितना जाए। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अपर चेस्ट के लिए वर्कआउट, फर्स्ट वार्म अप से 20 रैप। मिडिल चेस्ट पे लाना है इसको, ठीक है, मिडिल चेस्ट। अब हम आ गए इंक्लाइन डंबल प्रेस। हम इसका भी 5 सेट करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ अपर चेस्ट को ट्रेंड कर रहे हैं, मिडिल चेस्ट को नहीं कर रहे हैं ना लोअर कर रहे हैं। और इसको ना कि शोल्डर पे आना चाहिए, चेस्ट के बगल में। चलो उठाना है अपर चेस्ट पे, लाना है चेस्ट के बगल में, नीचे शोल्डर के ऊपर ना आए डंबल, चेस्ट के बगल में। चलो 5 सेट करेंगे इसका आज, 10 और 15 के बीच में रैप होगा। पहले वीडियो मैंने अपर चेस्ट के लिए एक और डंबल बताया था, वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल प्रॉपर, सांस लेना है और छोड़ना है, बॉडी को स्किप करके नहीं करना वर्कआउट, नहीं तो आपका मेन मसल यूज होगा। सब इंसान का एक जैसा शेड्यूल नहीं होता है, किसी का कोई पार्ट वीक होता है, किसी का कोई पार्ट वीक होता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करें। सबसे पहले आप जिम के अंदर अपने ट्रेनर को दिखाएं कि आपके चेस्ट में कौन सा मसल वीक है, उसके हिसाब से आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ये नहीं कि आपका अपर चेस्ट वीक है और आप मिडिल चेस्ट का वर्कआउट ज़्यादा करें। सबसे पहले आप अपर पे फोकस करें, जितना आपका अपर चेस्ट अच्छा होगा उसकी चेस्ट की लंबाई उतनी अच्छी होगी, चेस्ट की लेंथ अच्छी होगी। तो सबसे पहले अपर चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करें, मिडिल और अपर। लोअर का कुछ बड़ा रोल नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको किसी वीडियो में, कि जो भी हमारी चेस्ट बड़ी होती है ऊपर से ही बड़ी होती है। मिडिल और अपर को हम जितना ज़्यादा अच्छा ट्रेंड करेंगे हमारी चेस्ट की लेंथ और साइज उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लगाने वाले हैं क्लाइंट डंबल फ्लाई, वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर अपर चेस्ट। वैसे हम केबल क्रॉस भी कर सकते हैं अपर चेस्ट के लिए, बट दोनों एक्सरसाइज एक साथ नहीं करना कि इंक्लाइन डंबल फ्लाई भी कर लिया और हमने केवल क्रॉसओवर भी कर लिया, वो ज़्यादा वर्कआउट हो जाएगा। तो आप चूज कर सकते हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाई तो कभी केवल क्रॉसओवर। ये चल अप, वेरी गुड। चल 15 रैप, 12 से 15 रैप, मिनिमम 10 रैप, ज़्यादा नीचे नहीं लाना है, बस ये थोड़ा सा और नीचे, ये चल वेरी गुड। तो 3 एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए बहुत है। जिनका भी अपर चेस्ट वीक है, आपको लग रहा है कि मिडिल चेस्ट आपका अच्छा है और अपर चेस्ट वीक है, तो आप सबसे पहले अपर चेस्ट को ट्रेंड करें क्योंकि अपर चेस्ट से ही आपकी चेस्ट की लेंथ बड़ी होगी। आप ऊपर जितना हिट करोगे मसल्स को, आपकी लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी चेस्ट की और अच्छी ग्रोथ होगी ऊपर से। अपर चेस्ट मजा आ गया, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, पेट पे छुपा रखा नहीं गया, इसलिए अभी डंबल्स की डंबल्स का वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया। पर चेस्ट कह रहा बहुत मजा आया आज करके, अपर चेस्ट का वर्कआउट किया हम लोगों ने, तो कह रहा बहुत अच्छा फील आ रहा है, उसकी लेंथ प्रॉपर आ गई है चेस्ट की। ये देखिए ये लेंथ होती है, इन्हीं से आपकी छोटी सी चेस्ट को यहाँ पे लेंथ प्रॉपर आनी चाहिए, चेस्ट की लंबा होना चाहिए। अभी जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आप यहाँ पे इसको जितना ज़्यादा हिट करोगे आपकी चेस्ट उतनी उठेगी और उसकी लेंथ अच्छी आएगी। जितना आप अच्छा करोगे, जितना आप अपर चेस्ट को हिट करोगे, उतनी चेस्ट की क्वालिटी ज़्यादा आपकी अच्छी आएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर और कुछ करेंगे।
केवल क्रॉस ओवर भी मैं एक या दो सेट करके दिखाता हूँ आपको अवर चेस्ट पे। ये कभी इसमें आप सामने ना देखें, ये तो ये भी अपर चेस्ट का बेस्ट एक्सरसाइज है, तो आप कर सकते हैं, बट एक ही करें दोनों में से, कभी इंक्लाइन डंबल फ्लाई तो कभी केवल क्रॉस ओवर। आज तो आज ये था अपर चेस्ट का वर्कआउट जो मैंने आपको दिखाया, और आप करके देखें, ये नहीं कि आप हर बार ही चेस्ट को बदल दें कि आज ये अगले वीक में कुछ और कर रहे हैं, कम से कम एक वर्कआउट को 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, उसके बाद उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। ये नहीं कि आपने आज कुछ किया नेक्स्ट वीक आप कुछ करने लग गए, तो ये ना करें। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वर्कआउट को मैं दिखाता रहूँगा आपको, नॉलेज टेक्निक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हाँ बेल बटन दबाएं ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मुझे, और कमेंट्स करें ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूं। आप इसको ट्राई करके देखें, बेस्ट है वर्कआउट अपर चेस्ट का। तो आज अपर चेस्ट का ही ट्रेंडिंग किया है हम लोगों ने खास करके, उसके बाद देखते हैं अगर एनर्जी बची तो मिडिल का करेंगे, बट अपर का आज कंप्लीट हुआ हमारा। थैंक यू वेरी मच।